तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेरोकर प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान का T20 लीग यानी PSL स्टार्ट हो चुका है। इसमें टोटल 6 टीम्स आपस में खेल रही है। सभी टीम इस वक्त जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है, सभी टीम भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। आगे बात करते हैं टूर्नामेंट के 11वें मैच की, जो कि खेला जाएगा क्वेटा के लिए टेस्ट और मुल्तान सुल्तान के बीच में। यह मैच टेबल टॉपर्स के बीच में होने वाला है। यह मैच 25 फरवरी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहां पर मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 40% रहेगा और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पर बैटिंग फर्स्ट का यहां पर 70% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पर 30% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 174 है, तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पर क्वेटा के लिए टेस्ट 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं मुल्तान सुल्तान 6 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं पहली टीम मुल्तान सुल्तान का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम अब तक 4 मैच खेली जिसमें से 3 मैच जीत के आ रही है, पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है। अगर लास्ट गेम की बात करें जहां पर टीम को पहली हार मिली, अगर टीम की बात करते हैं टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया। टीम के कैप्टन जहां पे मोहम्मद रिजवान है, ओपनिंग में बात करें तो रिजवान और यशीर खान की जोड़ी देखने को मिल रही है। वहीं नंबर 3 पर जहां पे दक्षिण अफ्रीका के ओपनर रिजा हैंडिक्स है। नंबर 4 पे बात करें तो डेविड मलन को लास्ट गेम में चांस मिला था। मिडिल ओवर में जहां पे खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद है। वहीं बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है हर एक मैच में, जहां पे मोहम्मद अली ने अब तक सबसे ज्यादा 10 विकेट लिए हैं। अब्बास अफरीदी भी 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के डेविड विली भी लगातार विकेट निकाल रहे हैं। वहीं बॉलिंग यूनिट में जहां पे विकेट दिलाने के लिए शामा मीर भी है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे मोहम्मद रिजवान है जो कि कैप्टन है, विकेट कीपर दोनों है, डेविड मलन है, रिजा हैंडिक्स है, इफ्तिकार अहमद है, खुशदिल शाह, यसीर खान है, अब्बास अफरीदी है, शनवार धानी, डेविड विली, मोहम्मद अली है, शामा मीर है। अगर कुछ की प्लेयर की बात करें तो जहां पे मोहम्मद रिजवान है, डेविड मलन है, डेविड विली है। अब बात करते हैं दूसरी टीम जो कि क्वेटा के लिए डेटेस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने पहले 3 मैच जीतकर पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और टीम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है हर एक मैच में। वहीं साउथ अफ्रीका के बैटर जहां पर रिली रोसो जो टीम के कैप्टन है, टीम की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है। ओपनिंग में बात करें तो ओपनिंग में जहां पर जेसन और शॉर्ट सकिल की जोड़ी देखने को मिल रही है। नंबर 3 पर कप्तान जहां पर रोसो उतरते हैं, शॉर्ट सकिल 3 मैच में 116 रन बनाकर टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। जहां पे मिडिल ऑर्डर में सरफेंदर और ख्वाजा समेत टीम को बैलेंस देते हैं। फॉर्मर पाकिस्तान कप्तान जहां पर सरफराज अहमद टीम के विकेट कीपर है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में टीम काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, जहां पर मोहम्मद आमिर जो कि पेसर अटैक को लीड कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर भी लगातार विकेट चटका रहे हैं। अबरार एंड वसीम ने लास्ट गेम में 3 दिन विकेट लिए थे। वहीं वेस्ट इंडीज के जहां पर अकील हुसैन ने अबरार अहमद जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में, अकील भी 5 विकेट के साथ लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे जेसन रॉय है, सॉस सकील है, रिली रूसो, ख्वासा नफसे है, सरफेन रदरफोर्ड है, मोहम्मद वसीम है, सरफराज अहमद है, अकील हुसैन है, मोहम्मद हसनैन है, अबरार अहमद है, मोहम्मद आमिर है। कुछ की प्लेयर देखते हो जहां पे रिली रोशो है, जेसन रॉय है, मोहम्मद आमिर है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे के लिए डेटियस होगा, क्योंकि क्वेटा के लिए डेटियस की बात की, दोनों टीमें स्ट्रांग है, नो डाउट दोनों टीमें स्ट्रांग है, बट यहाँ पे क्वेटा के लिए डेटियस अगेंस्ट मुल्तान से काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि ये भी मैच जीत सकते हैं, यहाँ पे मुल्तान सुल्तान को अगेन हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।